आइए दोस्तों, केसु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अम्बाला घाट रामटेक महाराष्ट्र तीर्थ क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ लोग अस्थि कलश विसर्जन करने के लिए, फूल ठंडा करने के लिए ज़्यादातर आते हैं, और पर्यटक लोग घूमने के लिए भी आते हैं। ये पौराणिक स्थान है, आदिकाल से है, 600 वर्षों से भी ज़्यादा का इसका इतिहास है अपने पास में लिखित रूप में। यहाँ पुरोहित मिलते हैं जो अस्थि कलश विसर्जन से संबंधित कार्यक्रम करते हैं। पौराणिक स्थान है, अनेकों मंदिर है, हनुमान जी के, शिव जी के, श्री राम लखन जानकी जी के, और पौराणिक ऋषियों के आश्रम मंदिर वगैरह है। और इसके दक्षिण में राम जी का मंदिर है, राम मंदिर, और इसके पूर्व में नारायण स्वामी का मंदिर है जो अभी बना हुआ है, नया नीले कलर का गुंबद दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर है। ये पौराणिक है, शिल्पकला है, देखिए कितना खूबसूरत है, कितनी नक्काशियाँ है। यहाँ के बाद के दर्शन के बाद अपन राम मंदिर भी चलेंगे। राम मंदिर में ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ के पूरे सिटी का व्यू लेंगे। अम्बाला घाट बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, बहुत से धार्मिक कार्यों का आयोजन यहाँ किया जाता है। इतनी नक्काशी, इतनी खूबसूरत, पुरातत्व से संबंध है इसका, ये गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में ले रखा है इस क्षेत्र को और राम मंदिर को भी। पहले भोसले घराने के अंदर में था ये। आगे चलते हैं, अपन लोग अब राम मंदिर के ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए कितना भव्य नज़ारा नज़र आ रहा है रामटेक शहर का, राम मंदिर के ऊपर से, और मंदिर की खूबसूरती से देखिए आंखें नहीं हट रही है। कितना खूबसूरत मंदिर है, उस प्राचीन युग का, 600 वर्षों से भी ज़्यादा इसका इतिहास है, इसका इसकी सुंदरता, इसकी बनावट, इसकी भव्यता, इसकी विशालता देखते ही बनती है। ये बहुत ऊँचे पहाड़ पे स्थित है राम मंदिर, भगवान रामचंद्र जी का। भगवान रामचंद्र जी यहाँ ठहरे हुए थे, श्री राम लखन जानी जानकी जी, हनुमान जी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।